दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप फ्यूचर में किसी भी इंसान से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं? तो ऐसा करने के लिए आप एक कागज में कुछ लिखकर या किसी भी वस्तु को एक बॉक्स में डाल के दफना सकते हैं। वो चीज अगर भविष्य में किसी को मिल गई, तो वो उस समय के हालात समझ जाएगा। इसी चीज को हम टाइम कैप्सूल के नाम से जानते हैं। आइए आज हम आपको दुनिया के 5 सबसे हैरान कर देने वाले टाइम कैप्सूल्स के बारे में बताते हैं। टाइम कैप्सूल का प्रयोग लोग देश विदेश में बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं। 5वें नंबर पे हम बात करेंगे तुलसा ओक्लाहोमा नामक एक जगह की, जो यूएस में है। सन 1957 में कुछ लोगों ने प्लायमाउथ वेलवेडन नामक मॉडल की एक कार को ही टाइम कैप्सूल के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने इस कार को जमीन के नीचे ये सोचकर दफना दिया कि भविष्य में कोई इस कार को ढूंढ लेगा तो वो इंसान उस टाइम की टेक्नोलॉजी के बारे में जान पाएगा। लोगों ने कार को एक अंडरग्राउंड वॉल्व में बहुत ही सुरक्षित तरीके से जमीन के अंदर दफना दिया। सन 2007 में जब 50 साल बाद इस कार को बाहर निकाला गया, तो पता चला कि कार तो वहाँ मौजूद थी, लेकिन वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। कार में जंग लग चुकी थी। आज वो कार एक म्यूजियम में शोपीस के तौर पे रख दी गई है। 4वें नंबर पे हम बात करेंगे उस टाइम कैप्सूल के बारे में, जिसे स्टीव जॉब्स ने दफनाया था। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। स्टीव जॉब्स, जो कि एप्पल के फाउंडर थे, साल 1983 में जब स्टीव के दिमाग में आईपैड बनाने का आइडिया चल रहा था, तभी उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो एक टाइम कैप्सूल को खरीद कर उसमें अपने कुछ इन्वेंशंस डाल दें और उसे जमीन के अंदर दफना दें। उनका मानना था कि अगर किसी को फ्यूचर में उनके प्रोडक्ट्स मिलेंगे, तो वो 1983 की टेक्नोलॉजी के बारे में और अच्छे से जान पाएंगे। अंत में उन्होंने एक टाइम कैप्सूल खरीद ही लिया और उसमें 6 बियर बॉटल्स, मूडी ब्लूज की एल्बम और एप्पल के पहले कंप्यूटर का माउस डाल के दफना दिया। उस कैप्सूल को जमीन के अंदर से साल 2000 में निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन किसी कारणवश वो कैप्सूल जमीन में शिफ्ट हो गया और नहीं मिला। बाद में साल 2013 में इसको पाया गया और देखा गया कि उनके कंप्यूटर का माउस बिल्कुल सही सलामत था। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि किसी भी टाइम कैप्सूल को 30 से 40 साल में खोज कर निकालना कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं है। उनके अनुसार टाइम कैप्सूल्स को कम से कम 1000 साल तक दफनाया रखना चाहिए। इसी बात से प्रेरित होकर MIT के एक प्रेसिडेंट ने MIT कैंपस कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स के नीचे सन 1957 में एक टाइम कैप्सूल दफना दिया था, और उनका कहना था कि ये कैप्सूल सन 2957 से पहले नहीं खोला जाएगा। ये चीज उस कैप्सूल के ऊपर भी बड़े बड़े शब्दों में लिखी हुई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ वर्कर्स ने कंस्ट्रक्शन का काम करते वक्त उस कैप्सूल को बाहर निकाल लिया और उस कैप्सूल को MIT के प्रेसिडेंट को दे दिया। उस कैप्सूल में कुछ छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और बहुत सारे रिसर्च वर्क पाए गए थे। अंत में उन्होंने जाके उस कैप्सूल को वापस दफना दिया। इसके बाद हम बात करेंगे उस शानदार से घर या अपार्टमेंट की, जो कि पेरिस में मौजूद है। इस घर को 70 सालों से भी ज्यादा समय तक इसकी ओनर मिसेज डी फ्लोरियान द्वारा टाइम कैप्सूल के रूप में बंद करके रखा गया था। उनकी मौत 91 साल में हुई और उसके बाद इस अपार्टमेंट को किसी ने भी नहीं खोला। घर की ओनर ने सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ही पेरिस छोड़ दिया था और इस घर के बारे में किसी को भी नहीं पता था। उनकी मौत के 70 सालों बाद इस घर को रिसर्चर्स के ग्रुप ने खोला और पाया कि इस घर में बहुत ही एंटिक चीज मौजूद थी। घर अंदर से बिल्कुल एक महल की तरह लग रहा था। सबसे पहले नंबर पे आता है वो टाइम कैप्सूल, जिसे कहा जाता है कि इसको फेमस ऑथर जूल्स वर्न ने दफनाया था। उनकी मौत 1905 में हुई थी और उन्होंने इस टाइम कैप्सूल में अपने समय की बहुत सी चीजें दफना कर रखी थी। इस बात का पता कोई नहीं लगा पाया है कि इस टाइम कैप्सूल को एग्जैक्टली कब दफनाया गया था। सन 2017 में इस कैप्सूल को खोला गया और आर्कियोलॉजिस्ट का कहना था कि वो बॉक्स करीब 140 से 150 साल पुराना था। उस बॉक्स में बहुत सी चीजें पाई गईं, जैसे कि उस समय के सिक्के, चाबियां, नेकलेस आदि। तो ये थे आज तक के सबसे 5 बेहतरीन और गजब के टाइम कैप्सूल्स। दोस्तों, इस तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।